नमस्कार, प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सूरदास और भ्रमरगीत सार के इस श्रृंखला में आज और एक पद से संबंधित जानकारी मैं देना चाहता हूँ। इससे पहले बार बार उद्धव गोपियों से ज्ञान ब्रह्मा के बारे में, योग के बारे में, ब्रह्म ज्ञान से संबंधित लगातार वो बताते रहते हैं। गोपियों को सुन सुन के बुरा लगता है, लेकिन हमारे घर में जो अतिथि आए तो अगर बुरा लगने पर भी उनका व्यवहार ऐसे कटु व्यवहार या कटु उत्तर ना देने के बदले में, लेकिन सुन चुप नहीं रहते हैं, उनको कैसे उत्तर दे। बहुत यहाँ गोपियों की वाग विदग्धता के लिए यह पद और एक उदाहरण है। और देखिए, उद्धव को ऐसे बता रहे हैं कि कभी कभार यहाँ किसी को अगर कुछ बुरा भी बताना है तो बताने की एक बहुत मर्यादा युक्त पद्धति में जो बताते हैं यहाँ गोपियों। तेरो बुरो न को माने, रस की बात मदप नीरस, सुन रसिक हो तो सो जाने। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म ना रस पहचाने। अलि अनुराग उड़त मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम बाने। कायर बर्फ लोहे ते बाजें, लड़े जो सूर बखाने। यहाँ बता रहे उद्धव से बता रहे कि हे उद्धव, मैं आपको हम बुरा नहीं मानेंगे। कभी कभार किसी को कुछ बुरा बताने के लिए, आप बुरा है बोलने के लिए, अरे आप बुरा नहीं है, तो ये हम बहुत व्यंग्य में कहते हैं, तेरो बुरो न को माने। हे उद्धव, आपको कोई हम बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, इसके बाद भी आपको हम बुरा नहीं मानते। क्यों? कारण बता रहे हैं, देखिए बहुत तर्कयुक्त कारण। देखिए, रस की बात मदप नीरस, सुन रसिक हो तो सो जाने। यहाँ रस मतलब प्रेम की बातें हैं, प्रेम की बातें मतलब कृष्ण भक्ति की बातें, कौन जान सकते हैं, कौन पहचान सकते हैं, कौन इसका आस्वादन कर सकते हैं। जो रसिक मतलब खुद भक्त है तो भक्त की बातें, भगवान से संबंधित बातें, कथाएं, लीलाएं सब अच्छा लगता है। मतलब आप बिल्कुल नीरस मद, हम सब जानते हैं बावर का मूल लक्षण क्या है, जहां फूल है वहां तक उड़ उड़ कर जाते हैं, बस फूल से उनका कोई प्यारा प्यार या इसके हमें इश्क आशिक प्यार मोहब्बत ऐसी जो बातें करते हैं, उनसे कोई उनका मतलब नहीं है। सिर्फ उनका एकमात्र मतलब है फूल के अंदर युक्त मकरंद पीना ही। इसलिए आप मकरंद से आपको मतलब है, मतलब प्रेम या फूल से आपको कोई मतलब नहीं, मतलब आप नीरस रस क्या वास्तव में भक्ति आप नहीं जानते हैं। और आगे देखिए, बढ़िया उदाहरण बता। दादुर बसई निकट कमलन के, जन्म न रस पहचान। हम सब जानते हैं कमल कहाँ रहते हैं, मतलब कीचड़ में या नदी में, तालाब में। वह उसी तालाब में कीचड़ में मेंढक भी रहता है। मेंढक अपने आजीवन कमल के इर्द गिर्द घूमने के बावजूद भी कमल के अंदर निहित या युक्त, कमल के अंदर स्थित अत्यंत स्वादिष्ट मकरंद का पता तो उनको पता ही नहीं चलता है। ऐसे यहाँ दादुर मतलब कमल और दादुर मतलब हमारे कमल नयन, हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के आप सखा है, मित्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण की क्या महानता है आप पहचान नहीं पाए। देखिए बहुत मार्मिक ढंग से बता रहे कि हे उद्धव, आप दादुर के समान हैं, आपको पता ही नहीं। हमारे कमल नयन कृष्ण है, कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी आप कृष्ण के बारे में हमको पता नहीं। हम कैसे हैं अली, देखिए अली अनुराग उड़त मन बांध्यो, कहें सुनत नहीं काने। जिस प्रकार बवर जहाँ कमल में मकरंद या कमल से जितना अनुराग है, प्यार है, कैसे आ जाते हैं, बहुत दूर 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 से उड़ 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 कर आ जाते हैं, कमल के पास पहुँचते हैं। हम
श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण कहीं भी हो, कितने भी दूर हो, हम उड़ उड़ कर कृष्ण को पहचानते हैं और कृष्ण के पास आ भी जाते हैं। आप दादुर जैसे बाजू में रहने पर भी आपको श्री कृष्ण की महानता पता नहीं चलते हैं। और आगे और बढ़िया एक उदाहरण बताते हैं, यहाँ इसमें आप नीरस और रसहीन बताते हुए और आगे बढ़िया उदाहरण सरिता का उदाहरण देते हैं। देखिए, सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्रुम भाने। यहाँ देखिए नदी का जो प्यार है, समुन्दर से मिलने, सागर से मिलने जाते वक्त कैसे जाती है नदी, इस बीच में दोनों तटों में या बीच में उनकी प्रवाह को रोकने के लिए जो भी बीच में आए हैं, चाहे वो बड़े बड़े वृक्ष भी हो, क्या वो नदी अपनी जो राह परिवर्तित करके दूसरी ओर जाएगी? नहीं, सागर से मिलने के लिए वो क्या करती है, आसपास में पड़े या खड़े या उनकी रास्ते में अड़चन डालने वाले सारे बड़े बड़े वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ कर उसमें मिला के और जल शीघ्र समुन्दर से मिलने जाती है। यहाँ एक प्रेमिका जो लक्षण बताते हैं, प्रेम मतलब आजकल की लौकिक जगत की बात मैं करना नहीं चाहता, पहले ही मैंने बताया था जो भी गोपियों की प्रेम है वह बिल्कुल अलौकिक प्रेम है। खासकर जो प्रेमी प्रिया प्रिय से मिलने के लिए जाते वक्त वह क्या करते हैं, अपने सारी कुल जाति मर्यादा सबको नाश करके चले जाते, क्योंकि उनके लिए ये सब अड़चन लगते हैं, हमारे लिए सब नीति या मर्यादा या नियम लगता है, लेकिन प्रेम में जो रहता है, जो प्रेम करता है, उससे मिलने के लिए प्रिया प्री से मिलने के लिए सारे जाति हो धर्म हो मत सबको नाश करके जिस प्रकार अपने प्री से मिलने पहुंचती हैं, यहाँ इसी प्रकार सरिता के उदाहरण के माध्यम से गोपियों का कहना है कि हम अपने कृष्ण से मिलने के लिए कोई भी अड़चन हम सह नहीं पाएगी। और यहाँ इसमें एक बहुत मज़ेदार बात बताते हैं लोग, ऐसे मैंने भी कहीं पढ़ा था, बार बार सारी कृष्ण वृंदावन में व्रज में रहते वक्त सारी बिल्कुल ग्वाल बालाएं महिलाएं पुरुष क्या है स्त्री क्या है मतलब कौन नहीं है, मतलब व्रज के समस्त जन कृष्ण के पास ही रहते, जब भी उनकी मुरली नाद सुनते वक्त सारे के सारे ब्रजवासी, इसमें बड़े बूढ़े छोटे या स्त्री या पुरुष बालिकाएं मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, सबके सब जाते थे। कभी एक बार एक बूढ़ी औरत एक युवा युवती से पूछती है, अरे यार बार बार समय असमय पर कृष्ण जैसे कृष्ण के पास एक पराय पुरुष के पास जाके नाचने और उसके साथ उनके मुरली नाद सुनते हुए नाचने का आपको कोई ये लज्जा नहीं है, इस प्रकार कुछ खट्टु शब्द कहते हुए वो स्त्री बहुत मतलब ग्वाल बाला बहुत बढ़िया उत्तर देती है, हाँ ठीक है दादी, लेकिन एक बात बता दो, इस गांव में ऐसी कोई एक युवती को दिखाओ कृष्ण के पास ना गई हो। यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ युवती या कृष्ण पुरुष की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, सारे व्रजवासियाँ जिस प्रकार कृष्ण का जो सान्निध्य का अनुभव किया है, इसमें ना उम्र है ना स्त्री है पुरुष है, कोई भेदभाव नहीं, मतलब सभी लोगों ने श्रीमन नारायण इस जग के पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का सान्निध्य का शुभ अवसर को जिस प्रकार उन लोगों ने सदुपयोग किया उपयोग किया उसका संपूर्ण आस्वादन किया, ये बताने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और इसमें अगर जिस प्रकार भगवान से मिलने के लिए वक्त जाते वक्त इस बीच में जो भी अड़चन आए सारे अड़चनों को उखाड़ के, जिस प्रकार सरिता समुन्दर से मिलने सागर से मिलने जाते वक्त अड़चन आने वाले सारे बड़े बड़े वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ कर जिस प्रकार सागर से मिलने पहुंचती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण से मिलने के लिए हम जाने वाले हैं बताते हैं। और इसके साथ साथ आगे ये भी बताते, देखिए, कायर बर्फ लोहें ते बाजें,
क्योंकि कायर बहुत बातें करते हैं। वास्तव में युद्ध भूमि में जाने के बाद कायर क्या करता है, युद्ध भूमि में तलवारों की घोड़ों की आवाज सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन कौन युद्ध में रहेगा, लड़ाई जो सूर बखान। सूरदास कहते हैं कि जो सच में योद्धा मतलब सैनिक ही लड़ सकता है। यहाँ हम प्रेम के लिए टिके हुए हैं, मतलब हम वीर सैनिक के समान हैं, आप जैसे कायर नहीं हैं। इस पद के द्वारा यहाँ इस पद से संबंधित गोपियों का कहना ये है कि आप दादुर के समान है। और इसके आगे ये भी कहते हैं कि हम बिल्कुल सरिता जैसे जिस प्रकार सागर से मिलने पहुंचती हैं, हम भी वैसे पहुंचने वाले हैं। कहते हैं दादुर और अली की जो प्रतीकात्मक योजना बहुत प्रभावशाली ढंग से सूरदास ने अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रण किया है। और इसके साथ साथ यहाँ तेरो बुरो को न माने, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। और इसके साथ साथ खासकर प्रेम मार्ग की दृढ़ता और उनकी एक निष्ठता, मतलब परमात्मा परब्रह्मा सगुण साकार ब्रह्मा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रतिबद्धता, उनकी एकनिष्ठ प्रेम से संबंधित वर्णन इस पद के माध्यम से सूरदास ने बहुत प्रभावशाली और सरल शब्दों में गहन अर्थ को अभिव्यक्त किया है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सब इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।